जी सर जी ध्यान बिंदु उपनिषद, इसमें मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, 106 इसके अंदर मंत्र है 106, ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद हम पढ़ रहे हैं और ये कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबंधित है। हमारे सिलेबस में पर क्या स्वरूप है, पणो ध्यान की विधि क्या है, उस पणों को सर इसमें अध्याय नहीं है। ऐसे हम ध्यान में लगाए, नादानुसंधान दर्शन अर्थात उस परम, नहीं अध्याय नहीं है, एक ही है, सिम एक ही में बना हुआ सीधा ये, ठीक है। तो ये पांच चीजें हमारे सिलेबस में है और ये पांच चीजें पूरा ही उपनिषद कवर कर देते हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैंने पूरा ही ले लिया है। तो ये पूरा एक परिचय है जो मैंने निचोड़ निकाला है इसका, कि इसमें चार चक्रों का वर्णन है। ध्यान रखना इस उपनिषद में सिर्फ चार चक्र बताए गए हैं, बाकियों में 6 चक्र 7 चक्र मिलते हैं। तो इसमें चार चक्र कौन से हैं, मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है और हृदय चक्र। चक्र है और लास्ट में आप पढ़ाऊंगा, मैं आपको देखना। आसन कहे हैं कि असंख्य हैं, कोई गिनती नहीं है कि जितने प्राणी हैं उतने ही आसन हैं, लेकिन उन सब में चार आसन प्रमुख है। चार आसन का सीक्वेंस देखेंगे और बताएंगे सीक्वेंस में क्या गड़बड़ है औरों के मुकाबले। कोई बताइए हमने हठ योग प्रदीपिका में पढ़ा था, ये और ये चेंज कर गए यहाँ पे, है ना, जो दूसरे ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखना, इसमें भद्रासन नंबर 2 पे है, पद्मासन नंबर 4 पे है, और ग्रंथों में पद्मासन नंबर 2 पे मिलता है और भद्रासन 4 पे मिलता है। इस चीज का आप ध्यान रखना कि ध्यान बिंदु उपनिषद में सिद्धासन है, इसके बाद भद्रासन है, सिंहासन है और फिर पद्मासन है। षडांग योग की चर्चा गई है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको हम पढ़ेंगे। ये वाला विशेष ध्यान रखना कि ओमकार के 8 अंग बताए गए हैं, 4 पैर बताए गए हैं, 3 नेत्र बताए गए हैं। क्वेश्चन सीधा बन सकता है पेपर में, ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें ओमकार के 8 अंग बताए गए हैं, सीधा क्वेश्चन बनेगा ये, कि किस उपनिषद में ओमकार के 4 पैर बताए गए हैं, किस उपनिषद में ओमकार के 3 नेत्र बताए गए हैं, 5 देव बताए गए हैं। सीधा सा बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, सीधा ऊपर से कि ध्यान बिंदु उपनिषद। एक ये भी ध्यान रखेंगे, प्रणव प्रणव को यहां पे यानी कि ओमकार को धनुष बताया है, आत्मा को बाण बताया है और ब्रह्म को लक्ष्य बताया है। कोई बताएगा ऐसे ही चीजें और किस उपनिषद में मिलती है, किसी को याद है? पूजा जी केन उपनिषद है, केन में है गुरुजी साहब, केन उपनिषद में है और कठो में भी है। केन में मुझे थोड़ा डाउट है केन में है कि नहीं, लेकिन कठो में तो पक्का है, ठीक है। दो 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 जगह पे है ये, शायद मंडूके मांडूके में भी होना चाहिए, मैंने देखा नहीं है, अभी स्क्रीन पे आया तो मुझे एकदम से याद आ गया है, तो आप देख लेना। 2 उपनिषद में और है यही बातें सेम, कठो में है ये चीजें कि प्रणव को धनुष बोला गया है, आत्मा को बाण बोला गया है, ब्रह्म को लक्ष्य बोला गया। ये देखिए ये वाला भी विशेष यहीं पे, क्योंकि हृदय कमल को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रधानता दी है इस उपनिषद में। और देखिए कुछ बदलाव दिख रहा है आपको, क्या बदलाव दिख रहा है यहाँ पे बताओ जल्दी माइक खोल के। नॉर्मली इसमें 6 होते हैं, 8 तल और औरों में कितना होता है, 6 औरों में कितने दल बताए गए हैं, 6 दल 10 10 10 10 10
चार छह दस बारह होते हैं, कहाँ घूम रहे हो आप लोग? सीक्वेंस भूल गए? चार मूलाधार चक्र, छह उसके बाद में चार छह दस बारह सोलह और जो हाँ फिर आएगा बारह, याद आया जी? कहाँ छह कहाँ किसके सर बताए? स्वाधिष्ठान के आस पास में भी नहीं है तो तो बारह है औरों में, लेकिन यहाँ पे आठ बताया गया, ध्यान रखना। और आठ दल और पंखुड़ी दोनों को अलग अलग बताया, ये भी ध्यान रखना। और जगह हम पढ़ते हैं ना, दल और पंखुड़ी को हम एक ही मानते हैं, लेकिन इन्होंने अलग बता दिया। मैं अनुमानित आधार पे कह बता रहा हूँ जो चीज मैं बता रहा हूँ, क्यों अलग बताया इन्होंने। तो देखिये आठ चौके बत्तीस, चार गुना, तो इसके हिसाब से जो मैंने अनुमान लगाया है कि मान लेते यहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो हृदय दल है यहाँ पे क्या बताया गया है। माइक बंद कर लीजिए अपना, किसी का माइक खुला हुआ है। स्क्रीन हो रही भी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको? अच्छा मैं जी करता हूँ, अच्छा सॉरी सॉरी करता हूँ, शुक्र है बता दिया आपने। फिर लोग अब हो रही है जी? चलो जी ठीक है, थैंक यू सॉरी। तो हृदय कमल को यहाँ पे बड़ा विशेष बताया गया है, और यहाँ पे आठ दल और बत्तीस पंखुड़ी बताई हैं। और इसमें जैसे कि आठ दल को सामान्य रूप से जो मैंने समझा इस तरीके से कि एक चार का एक दल हो गया, और इसको हम चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 32 इस प्रकार यहाँ पे होगी। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि आठ दल है और बत्तीस पंखुड़ी है इस तरीके से। और इसमें इसकी सीरीज आप याद कर लेंगे कि हृदय कमल है, हृदय कमल के अंदर सूर्य का ध्यान करना है, सूर्य के अंदर चंद्र है उनका ध्यान करना है, चंद्र के अंदर अग्नि है उस अग्नि का ध्यान करना है, अग्नि के अंदर दीप्ति है उस दीप्ति का ध्यान करना है, उस दीप्ति के अंदर पीठ स्थान है उसका ध्यान करना है, और उसके अंदर वासुदेव विराजमान है। ये सीरीज आपको याद कर लेनी है अच्छे से। इस उपनिषद में 72,000 नाड़ियों का वर्णन है, 72,000 में 72 नाड़ियां प्रमुख हैं, और उन 72 में 10 प्रमुख हैं, और 10 में 3 प्रमुख हैं, और 3 में वो एक प्रमुख होती है। 10 प्रकार के प्राणों की चर्चा है, प्राणपान व्यंसमान उदान नाग कुर्म करिकल देवदत्त धनंजय। अजपा गायत्री का वर्णन है इसमें 21,600 बार, वो जो जीव जो है हंस मंत्र का लगातार जप करता रहता है। और ध्यान बिंदु उपनिषद में मूल बंद, उड्यान बंद, जालंधर बंद, खेचरी, योनि, महामुद्रा, इनका वर्णन है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसका हृदय कमल को बड़ा विशेष बताया गया है इसके अंदर, कि उसके अंदर आठ दिशाएं हैं, आठ डायरेक्शन दिया है। जैसे कि चार डायरेक्शन तो सिंपल है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार दिशाएं और बताई गई हैं, और सभी दिशाओं के अलग अलग वर्ण हैं, वर्ण अर्थात अलग अलग रंग भी दिए गए हैं, किसी का पीला है, किसी का सफेद है, किसी का नीला है। और उसमें मति बताई गई है कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार की मति होती है, मति अर्थात बुद्धि। ध्यान योग का महत्व, अब ध्यान योग का महत्व क्योंकि नाम ही इसका है ध्यान बिंदु उपनिषद, तो इसका सेंट्रल जो बिंदु है वो ध्यान के ऊपर ही फोकस है पूरे के पूरे उपनिषद का। तो बताया गया है कि जो पाप समूह कर्माशय हैं, पर्वत के समान अर्थात जो हमारे हजारों हजार जन्मों के जो संस्कार हैं, और उनसे जो हमने जो कर्म किए वो कर्माशय, वो पाप कर्म जो है वो संचित है, ध्यान के द्वारा उसको हम नष्ट कर सकते हैं, किसको? पाप समूह को। और इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, अर्थात ध्यान योग ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा पाप समूह को नष्ट किया जा सकता है। आगे बताया कि बीजाक्षर से परे बिंदु है, बीजाक्षर कौन होता है? जैसे कि मूलाधार का जो बीजाक्षर क्या है? लम है। परे, परे का अर्थ होता है कि उससे श्रेष्ठ, सामान्य रूप से। एक तो सामान्य रूप से बोलते कि लम लम सामान्य मंत्र है, अब इससे श्रेष्ठ बिंदु है। बिंदु कितने प्रकार का होता है?
दो प्रकार का होता है, पांडर और महारज। पांडर शुक्ल होता है और जो महारज होता है उसको लाल रंग का हम बोलते हैं। और इसके ऊपर नाद विद्यमान है कि मतलब कि बीजाक्षर से श्रेष्ठ बिंदु है और बिंदु से श्रेष्ठ नाद है। और नाद कब सुनाई देता है? जब हमारा प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तब वहां पे नाद ध्वनि हमें अनाहत नाद तब उस समय सुनाई देता है। अब परम पद कैसे मिलता है इसको बताया कि नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर। अब नाद जैसे कि मान लो कोई घंटा नाद बज रहा है अंदर, शंख की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, उसमें ही विलीन हो जाना, खो जाना, ध्यानस्थ हो जाना, जो उसमें विहीन है वो जो स्थिति है उसी को ही परम पद यहाँ पे कहा गया कि जो अनाहत ध्वनि है उसमें ही विलीन हो जाना, वो परम पद है। अब क्या बताया कि जीव, ईश्वर और निरंजन ब्रह्म इनका स्वरूप बताया कि ये कैसे होते, इनका आकार कैसा होना चाहिए। अब ये थोड़ा समझिए, आप बाल की नोक, आप समझ लो कि जैसे गेहूं की बाल है या हमारा एक बाल है सिर का बाल, पतला सा, देखो कितना पतला होता है बाल, कुछ माइक्रोमीटर का होता है ना, बिल्कुल पतला सा। उस बाल की जो कोना है, अगर भाग है, मान लेते हैं ये बाल है, इसका जो ये कोना है ना, इसके 1,00,000 भाग करो, वो जो सूक्ष्म भाग आएगा उसको जीव कहते हैं। जीव, जीव किसको कहते हैं? बाल की नोक का 1,00,000 हिस्सा, वो जीव है। और ईश्वर क्या है? वो जो जीव है यानी कि उस बाल की नोक का 1,00,000 हिस्सा है, जो उसके भी 1,00,000 और छोटे छोटे हिस्से कर दिए, वो जो भाग बच गया उसको ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर है, इतना सूक्ष्म है वो ईश्वर। और कहा ब्रह्म उससे भी अधिक सूक्ष्म है, निरंजन अर्थात जो विशुद्ध है, निष्कल है, कि उस जो ईश्वर के भी दोबारा से 50,000 और टुकड़े कर दिए, उस छोटे से भाग के और छोटे 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 टुकड़े कर दिए, वो निरंजन ब्रह्म है। समझ पा रहे हो? मान लेते हैं कि ये एक चीज है, मान लेते हैं कि ये 100 है, इसकी 100 किलोमीटर का है ये, ठीक है, इसके हमने 1,00,000 हिस्से किए तो ये 100 है। मान लेते इसके हम दो भाग करेंगे तो 50-50 में दो भाग में टूट जाएगा। अब उस 50 के और डिवाइड करेंगे 25-25 में टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे ये एक एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ऐसे एक 1,00,000 बार किया वो जीव है। अब उस जो पार्ट बच गया उसके पूरे 1,00,000 बार किया वो ईश्वर है, और जो भाग बच गया उसके पुनः 50,000 किया वो निरंजन ब्रह्म है, ठीक है, याद रखेंगे क्रम ये। और पुरुष यहाँ पे कहा गया कि पुरुष के शरीर में, पुरुष सामान्य रूप से व्यक्ति से लिया गया है कि वो स्त्री हो या पुरुष दोनों से को बता रहा है ये, पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर आत्म तत्व विद्यमान है। देखिए आत्म तत्व हम क्या समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे कहा कि शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसा किस उपनिषद में कहा है? ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा है कि आत्म तत्व जो है वो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। अब ये हमारे सिलेबस का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें प्रणव का स्वरूप पूछा है ना, हमारे सिलेबस में सीधा लिखा हुआ है कि प्रणव में 3 मात्राएं होती हैं, अकार, उकार और मकार। अब उन 3 मात्राओं में अलग अलग चीजें होती हैं, इनका मैं नाम क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि इसको भी सामान्य रूप से हम लोक ही बोलते हैं और इसको भी लोक ही बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों में से कुछ भी नाम नहीं लिखा, लेकिन आप लोक लिख सकते हो। पृथ्वी, आकार में पृथ्वी है, उकार में अंतरिक्ष है, और मैं में द्यू लोक है। द्यू बोलते हैं कि इनसे जो परे है, अंतरिक्ष से जो परे लोक होता है उसको द्यू लोक बोलते हैं। अब आकार में कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। उकार में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। मकार में कौन सा वेद है? सामवेद है। ये भी लोक ही बोलते हैं, भू, भूलोक, भुवै लोक, स्वह लोक। कि भू किस में आएगा? ये तो सीक्वेंस सिंपल है, भू भुवै स्वह,
यानी कि अकार उकार मकार, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश का लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सीक्वेंस सीधी लगती है अकार उकार मकार में। अब ये देव भी याद रखेंगे, भूत भूत यथात पंच महाभूत जो है कि अग्नि आकार में है, वायु उकार में है और सूर्य मकार में है। कि आकार में कौन सा भूत है? अग्नि। उकार में कौन सा भूत है? वायु। मकार में कौन सा भूत है? सूर्य। अब आकार का वर्ण कैसा है? पित्त। पित्त को सामान्य रूप से हम पीला बोलते हैं, पीला पित्त। उकार को श्वेत बोला गया है यहाँ पे और मकार को कृष्ण अर्थात काला। पित्त को हम सामान्य लाल रंग से भी देखा जाता है, पीला नहीं बोलते, लाल भी देखा जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से हम और ग्रंथों में पढ़ते हैं तो ब्रह्मा का रंग लाल होता है ना, और रज का भी लाल ही होता है। तो इस आधार पे मैंने यहाँ पे अब मैं लाल बता रहा हूं आपको, पित्त यानी कि लाल। पीला और लाल वैसे सामान्य दोनों बनता है, लेकिन लाल यहाँ पे ज्यादा सूट करेगा, लाल सफेद और कृष्ण यानी कि काला। आकार का गुण है रजोगुण, उकार का गुण है सत्व गुण, सत्व गुण, और मकार का तमोगुण। अब ये वाले आप बिल्कुल भी ना पढ़े कोई जरूरी नहीं है ये वाले, क्योंकि व्याख्याकार ने बताए हैं और ये पेपर में आएंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये आप जरूर याद रख लेंगे, आकार कि ओमकार के 8 अंग हैं, 4 पैर हैं, 3 नेत्र हैं, 5 देव है। ऐसा मैंने क्यों गलत किया इसको, देखिए कि 4 पैर बताया कि 4 पैर वेष्टिपरक, यहाँ ऊपर 4 बोल दिए, फिर नीचे फिर 4 बोल दिए, 3 नेत्र जागृत स्वप्न सुसुप्ति बोल दिया, फिर बोला नहीं 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 सत्व रजस तमस भी होता है, फिर बोला नहीं स्थूल सूक्ष्म कारण भी होता है। ये खुद ही कंफ्यूज है राइटर, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मूल जो श्लोक है उसमें बताया गया सिर्फ 8 अंग है, 4 पैर है, 3 नेत्र है, 5 देव है, सिर्फ इतना बताया गया, तो आप इतना ही याद करें। अब बताया गया कि कौन ब्राह्मण है और कौन ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण सामान्य रूप से हम वर्ण को बोलते हैं, ब्राह्मण वर्ण होते हैं, जैसे क्षत्रिय वर्ग है, शूद्र है, वैश्य है। जो ब्राह्मण हम किसको कहते हैं, जिसको आधुनिक भाषा में हम पंडित कहते हैं, कि जो ओमकार प्रणव से अनभिज्ञ है, अर्थात जो उसको नहीं जानता, जो ओमकार को नहीं जानता वो ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता, स्पष्ट कहा है। तो इसका विपरीत हम देखें, ब्राह्मण कौन है? जो ओमकार को जानता है, उसके स्वरूप को अच्छी भांति पहचानता है, वो ब्राह्मण है, और जो नहीं जानता वो ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता। अभी मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया है कि धनुष और वो कैसे क्या क्या स्वरूप है इसका। देखिए धनुष जो है प्रणव को बोला है, धनुष जो है ये धनुष हो गया, ये प्रणव है, और आत्मा बाण है, आत्मा रूपी बाण है, और जो लक्ष्य है वो हमारा ब्रह्म है, कि हमें धनुष रूपी प्रणव से बाण रूपी आत्मा के द्वारा ब्रह्म रूपी लक्ष्य को भेदना है। साधन क्या हो गया हमारा? प्रणव, क्योंकि साधन धनुष होता है ना, आत्मा तो हमारे अंदर ही है, यानी कि हम खुद बाण है और लक्ष्य परमात्मा है, आत्मा ब्रह्म, ठीक है। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य। किसी का माइक खुला, बंद कर लीजिए अपना माइक। अब ओमकार से, सामान्य रूप से ओमकार से हर चीज की उत्पत्ति हुई है, फिर भी विशेष यहाँ पे बताया गया है कि देवों की उत्पत्ति, स्वर की उत्पत्ति, त्रिलोक और पूरे संसार की जो उत्पत्ति है, उसका पूरे संसार का जो कारण है वो ओमकार है, और ओमकार का फल बताया गया है। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करेंगे इसको आप, पेपर में आता है ये इस टाइप के क्वेश्चन, कि हस्व अंश अर्थात उसका छोटा भाग, दीर्घ अर्थात उसका बड़ा भाग, और अर्ध मात्रा जो अंत की जो मात्रा है, सामान्य रूप से अ उ और मैं से समझ सकते हो आप इसको, कि
ओमकार का हस्व अंश उससे पापों का दहन होता है। रस्व क्या जी? हस्व अंश। रस्व क्या कह रहे हो आप? माइक बंद कर। रस्व रस्व कौन क्या कहना चाह रहे हो आप? ये हस्व नहीं रस्व है। रस्व ना तो आप देखो उपनिषद उठाओ। हस्व आप सही बोल रहे हो। हस्व है जी, आप चेक कीजिए एक बार। कंफर्म हो ना तभी बोला करो है? जब आप पूरी तरीके से कंफर्म हो। हस्व ही है। ठीक है ये, ठीक है। मंत्र संख्या आप चेक कर लीजिए, 17 में बताया है। हस्व अंश से पापों का दहन करता है। दीर्घ अंश अक्षय संपदा, अक्षय होता है कि जो कभी खत्म ना हो, ऐसी संपदा वो दीर्घ उच्चारण करने से मिलती है ओमकार के। और जो अर्ध मात्रा मोक्षदायक है। अब परमात्मा का ध्यान कहाँ करें भाई? कहाँ करें? देखो बताया गया, देखो वही आगे जो मैं बता रहा था कि हृदय कमल की कर्णिका के मध्य ज्योतिष के समान अंगुष्ठ मात्र, उस आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है और अंगुष्ठ मात्र यहाँ पे बताया गया उस आत्मा का स्वरूप। अब ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे हृदय में बताया गया है और जब इसके हम लास्ट में पढ़ेंगे वहां पे आत्मा का स्थान ऊपर ब्रह्म की तरफ यानी कि मस्तिष्क के भाग में बताया है। वहां पे लास्ट में पढ़ाऊंगा, आप देखना। यानी कि दो स्थान बताए, यहाँ पे हृदय में बता दिया, आकार के नित्य ओमकार रूपी परमात्मा का ध्यान करें। अब परमात्मा का ध्यान कैसे करें? परमात्मा ओमकार रूप में है और कहां पर विद्यमान है? वो हृदय कमल में कर्णिका अर्थात उसके अंदर जो कमल के अंदर है, ज्योति स्वरूप वो आत्मा है का स्वरूप है और अंगुष्ठ मात्र है वो ओमकार रूपी परमात्मा है, उसका हमें ध्यान करना है। ये बताया गया कि ध्यान कहाँ करना है, कैसे करना है। प्राणायाम के देवता बताए गए यहाँ पे, पूरक के देवता है ब्रह्मा, पूरक यानी कि इनहेल करना। कुंभक के देवता विष्णु बताए गए हैं और रेचक के देवता रुद्र बताए गए हैं। ध्यान करना, भी मैं थोड़ी देर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसको आप याद कर लेना, इसे अगले पेज पे पूछूंगा मैं। ईड़ा से उदर में वायु भरे और देह के बीच में ज्योतिष रूपी ओमकार का ध्यान करें। मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट नोस्टिल से सांस भरा है हमने और कहाँ भरा है? पेट में भरे, उदर में भरे, पेट के अंदर भरने के लिए बताया गया है। और उस दौरान देह के बीच में अर्थात जो हमारा देह मध्य कहाँ पे हम सामान्य रूप से मानते हैं, पिछले उपनिषद में हमने पढ़ा था देह मध्य त्रिकोणाकार, जो उनका डाउट भी था पूजा जी का कि वो और कहाँ पर है वो योनिकाकार जिसको हम बोलते हैं, वो मूलाधार और स्वादिष्ठान की मध्य है। ज्योतिर्मय ओमकार का ध्यान करना है, वहां पे हमें उसका ध्यान करना है। प्राणायाम करते हुए करना है, ये भी ध्यान रखना। और वो भी कौन सी नासिका बताई? ईड़ा। आगे बताया गया है कि विष्णु के परम पद की प्राप्ति किसे होती है, अर्थात कौन विष्णु के परम पद को प्राप्त कर सकता है, कौन कर सकता है? अभी पढ़ते हैं कि मन त्रिगुण में संसार के सृजन, अर्थात जो मन है ना संसार का कारण है, क्योंकि मन में चंचलता है, परिवर्तनशीलता है, रजस प्रकृति का है, जिसकी वजह से कर्म होंगे और कर्मों से कर्माशय बनेंगे, उन कर्माशयों से पूरा संसार का निर्माण होगा, उसके जन्मों का आगे निर्धारण होगा। इसीलिए मन को यहाँ पे कारण कहा गया है। और मन के विलीन हो जाने पे, और मन और प्राण एक दूसरे के पूरक होते हैं, हमने पढ़ा भी था कि मन और प्राण की, मन को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो प्राण भी कंट्रोल हो जाएगा, प्राण को कंट्रोल कर लेंगे तो मन को भी कंट्रोल कर लेंगे। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, याद होगा सभी को ये। तो मन के जो विलीन, जिसने मन को विलय कर लिया अर्थात नियंत्रित कर लिया,
उसको विष्णु का परम पद मिलेगा। विष्णु का परम पद किसको मिलेगा? मन संसार का कारण है और उस मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, वो उसको विष्णु का परम पद मिलेगा। इसमें भी विष्णु को वासुदेव को प्रधानता दी है, ध्यान रखना। कौन से देव को प्रधानता दी है? यहाँ पर भी विष्णु को दी है प्रधानता। हृदय कमल में वही दोबारा से ये 8 दल हैं और 32 पंखुड़ियां हैं। इसके बीच में सूर्य है। किसके बीच में? मान लेते हैं कि ये एक कमल हो, एक फ्लावर हो गया, ठीक है। इसके बीच में सेंटर में यहाँ पे सूर्य है। अब इसके भी सेंटर में चंद्रमा है, देखो उसी के, यानी कि सूर्य के बीच में भी चंद्रमा है और उस चंद्रमा के बीच में अग्नि है, अग्नि के बीच में दीप्ति है, दीप्ति के बीच में नानाविध रत्नों से सुशोभित कौन है? पीठ स्थान है वहां पे। पीठ स्थान किससे शोभित है? रत्नों से सुशोभित है। और उस पीठ स्थान पे कौन बैठा हुआ है? वासुदेव। तो आपकी सरलता के लिए मैंने बनाई ट्रिक, और ये भी ध्यान कर लेंगे वासुदेव किन चीजों से सुशोभित है। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि और मणि मुक्ताओ, इन तीन चीजों से वो सुशोभित है। कौन? वासुदेव। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि और मणि मुक्ताओ, ये तीन चीज हैं। श्रीवत्स का मुझे सामान्य से अर्थ नहीं पता, किसी को पता हो तो बता दीजिए। कौस्तुभ मणि तो वो होती है, वो मणि जो सिर में धारण की जाए या मुकुट में धारण की जाए, और मणि मुक्ता माला को बोलते हैं। माला धारी है वो कौस्तुभ मणि, यानी कि वो सुशोभित है। श्रीवत्स का मुझे अर्थ ठीक से क्लियर नहीं है, तो श्रीवत्स आप याद कर लें। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि और मणि मुक्ताओं से सुशोभित है। कौन? वो वासुदेव। वासुदेव कहाँ विराजमान है? पीठ स्थान में। पीठ स्थान कहाँ है? दीप्ति में। दीप्ति कहाँ है? अग्नि में। अग्नि कहाँ है? चंद्र में। चंद्र कहाँ है? सूर्य में। सूर्य कहाँ है? उस अष्ट दल 32 पंखुड़ी के हृदय कमल में। ये सीक्वेंस दोबारा से मैंने आपके समझने के लिए बना दिया है, फिर से समझ ले इसको। सीरीज पेपर में आती है इस तरीके की कि हृदय कमल में 8 दल और 32 पंखुड़ियां हैं, उसके अंदर सूर्य है, सूर्य के अंदर चंद्र है, चंद्र के अंदर अग्नि है, अग्नि के अंदर दीप्ति है, दीप्ति के अंदर पीठ स्थान है, पीठ स्थान के अंदर वहां पे वासुदेव विराजमान है, और वासुदेव ने क्या धारण किया? श्रीवस्त्र, कौस्तुभ मणि और मणि मुक्ता। ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता पेपर में। जैसे कि सीधा ये पूछा जा सकता है कि वासुदेव कहाँ विराजमान है, तो इसका उत्तर आएगा पीठ स्थान में, या फिर पीठ स्थान कहाँ है? दीप्ति के मध्य में। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में घुमा के पूछा जा सकता है। तो आप ये सीक्वेंस अच्छे से याद कर लेंगे, ध्यान बिंदु उपनिषद में ये सीक्वेंस दिया है। महाविष्णु की, यानी कि महाविष्णु यानी कि वासुदेव को ही महाविष्णु कहा है, उसकी विशेषता बताइए। स्फटिक की तरह, स्फटिक यानी कि हीरा होता है ना, जो क्रिस्टल लाइक जो स्ट्रक्चर है, कि उसके अंदर लाइट ही लाइट है सिर्फ, कि करोड़ों चंद्रमा की कांति वाला, कांति यानी कि चमक। अर्थात तो जो महाविष्णु है वो अत्यंत स्फटिक मणि की तरह चमकदार है, करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश है। इस तरीके से उस महाविष्णु का, उस वासुदेव का ध्यान करना है। आगे बताया गया है कि अब यहां पे अब मैं पूछता हूं आपसे, आप इसको पढ़ो और बताओ कि कोई एक चीज आपको कुछ अजीब सी लग रही है यहाँ पे, बताओ कौन पकड़ेगा? देवता का सीक्वेंस बदल गया, विष्णु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामान्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, और इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था कि पूरक के देवता ब्रह्मा है, कुंभक के देवता विष्णु है, रेचक के देवता शिव है। बहुत बढ़िया, ऐसे एक्टिव होके पढ़ो आप सभी। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
विष्णु पूरक के साथ बताया, कैसे बताया ध्यान दीजिए कि पूरक करना है, नाभि स्थान बताया है और अतिश पुष्प की तरह, ये अतिश पुष्प मुझे पता नहीं होता क्या है लेकिन लिखा है अतिश पुष्प, शायद इसका अर्थ होना चाहिए लाल होना चाहिए शायद, क्योंकि नहीं लाल ये हो गया, सफेद ये हो गया तो काला होगा फिर, ये मेरा अनुमान कहता है ये काला रंग का होना चाहिए शायद। तो वहां पे महाविष्णु का ध्यान करना है और महाविष्णु की विशेषता कि चतुर्भुजधारी है, वो चार भुजाएं हैं उसकी। कुंभक कहाँ करना है, हृदय में ध्यान लगाना है कुंभक के दौरान, ये ध्यान की स्थिति है कि पूरक किया नाभि में ध्यान किया, इसकी तरह उसका वर्ण है, ये वर्ण है रेन की रंग है और इसका ध्यान करना है महाविष्णु का। अब कुंभक किया, अब पूछा जाएगा कुंभक करेंगे ध्यान बिंदु को उपनिषद के अनुसार ध्यान कहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बार बार ध्यान की तो चर्चा है ना, तो कुंभक में हृदय स्थान में ध्यान लगाएंगे, पूरक में नाभि में ध्यान लगाएंगे, रेचक में ललाट यानी माथे पर ध्यान लगाएंगे और अलग अलग देवता आप ध्यान रखेंगे कि हृदय में उसका लाल रंग का है वो पितामह ब्रह्म है, उसका ध्यान करना है कुंभक के दौरान। रेचक जो है ललाट में अर्थात माथे में करना है, श्वेत यानी कि सफेद रंग का है वो और त्रिनेत्र युक्त है, युक्त शिव का, शिव की विशेषता कि वो तीन नेत्र वाला है। अच्छे से इनको याद कर लेंगे, पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है इन चीजों की। अब ये भी आप देख लेंगे, वैसे तो इतना जरूरी नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, हृदय पद्म में 100 अरे होते हैं, उनके 100 पत्ते हैं और उनकी अनेकों पंखड़ियां हैं। ये दोबारा से सीक्वेंस आ गई है कि हृदय पद्म में सूर्य चंद्र अग्नि, जल्दी से माइक खोल के बताओ अग्नि के बाद क्या आना चाहिए, किसको याद हुआ? दीप्ति स्थान। वेरी गुड, दीप्ति के बाद क्या आएगा? दीप्ति स्थान। वेरी गुड, पीठ स्थान। और उसके बाद में कौन बैठा है उस पे? वासुदेव। उस वासुदेव की विशेषता क्या है? बहुत बढ़िया, धारी है वो, ठीक है, वो मणि मणि भी धारक है वो। और एक तीसरी विशेषता थी उसकी, कि तीसरी विशेषता क्या थी? मणिमुक्ता। हाँ मणिमुक्ता यानी कि माला, माला से वो पहने हुए हैं, बहुत बढ़िया। अब प्रणव की अर्ध मात्रा को यहाँ पे रस्सी की तरह बताया गया है, तो आप ये सही मिलान के रूप में याद कर लेंगे। और सुषुम्ना को, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसे इस तरीके से मिलाएंगे, सुषुम्ना को कूपनाल बोला है यहाँ पे, कूपनाल की नली है, और कुंडलिनी को जल रूपा। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, मान लिया ये एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक पाइप डाली है ऊपर से, और इस पाइप को से यहाँ पे कोई इसको पी रहा है, ठीक है, यहां से इससे खींचा जा रहा है, यानी कि ये जल को ऊपर खींचा जा रहा है, समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रणव की जो अर्ध मात्रा है वो रस्सी बनकर, मतलब कि सहयोगी बनकर, कि जो प्रणव है वो सहयोगी बनके इस पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाने में सहायता करेगी, प्रणव सहायक है रस्सी की तरह। सुषुम्ना ये जो नली है ये मार्ग है, ये सुषुम्ना नली है, और जो पानी है, पानी कुंडली है, ये पानी कौन है? कुंडली, ये पानी कुंडली है। और कहां पे ले जाना है इसको खींचते हुए? भ्रूमध्य में। कहां ले जाना है? भ्रूमध्य में, आईब्रो सेंटर में, हमें इस जल रूपी कुंडलिनी को ले जाना है। सामान्य रूप से समझो कि कुंडलिनी को जागरण करना है, ये सीधा अर्थ है। किसके द्वारा होगा वो? प्रणव के द्वारा, ठीक है। आगे बताया कि ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ पर ब्रह्म निवास करता? देखिए सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर इस उपनिषद के। अब ब्रह्म कहाँ पे निवास करता है उसका स्थान भी बताया है यहाँ पे, कि नासिका के मूल से लेकर, नासिका का मूल कहाँ है?
नेजोफेरिंग्स सम मेडिकल की लैंग्वेज में बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स से लेकर के बोहो के बीच में ललाट में, कि नेजोफेरिंग्स से लेकर के मान लेते हैं ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, ये आंख हो गई उसकी और ये नाक है, ये मुंह हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया एक आदमी का। अब यहाँ पे बताया कि नाक का जो मूल है ये रहा, यहां से लेकर के और ये जो माथा है यहां तक, ये जो स्थान है बीच का यहां पे, इस स्थान को बोला है, ये जो ये स्थान अमृत का स्थान है, क्योंकि यहाँ पे अमृत रष्टपक्ता हमने पढ़ा है ना खिचड़ी मुद्रा में, ऊपर षोडश दल है, मान लेते हैं ये षोडश दल है यहाँ पे, और यहां से सोमरस टपक रहा है और खिचड़ी मुद्रा से हम उसको रोकते हैं, याद होगा ना सभी को, इसीलिए इस वाले भाग को हम अमृत स्थान कहते हैं और यही ब्रह्म का स्थान है, यहीं पे ब्रह्म निवास करता है, ये यहाँ पे बताया गया। क्लियर होगा सभी को कि नासिका मूल से ललाट के मध्य है, इसको अमृत स्थान कहते हैं और यहीं पे ब्रह्म का निवास है। अच्छा, आप एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करूं क्या, टाइम हो गया है, आप लोग कर पाएंगे या मैं कल पढ़ाऊं? कंप्लीट कर दो गुरुजी आज, मैच पढ़ा पूरा पढ़ा दूं आज जी। चलो जी सर, नहीं प्लीज, किसी को दिक्कत ना हो। अच्छा रहने दो, फिर कल कर लेते हैं सर मैच, ठीक है, चलो प्लीज कल बता दीजिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, इसलिए मैंने पूछा बीच में। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। आज थोड़ा दिक्कत हो गया, नेटवर्क की वजह से भी हो गया, कुछ मैंने लेट ही ज्वाइन किया था आज, तो अच्छा ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया, किसी को डाउट है कोई किसी तरीके का उसमें? राहुल जी, जो आप त्रिवस्त्र बोल रहे थे ना, वत् करके था, श्रीवत् विष्णु जी के उसमें आया था, तो उसमें जो श्रीवत् होता है वह एक यंत्र की तरह होता है, मतलब एक चिन्ह होता है जो विष्णु जी के हृदय में लगा होता है, यंत्र ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कोई किसी का कोई सुझाव या कोई कोई डाउट? आचार्य जी, यहाँ पर कितनी सत्ता बताई गई है, जैसे हम द्वैतवाद पढ़ते हैं, अद्वैतवाद त्रैतवाद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ईश्वर, जीव, निरंजन और ब्रह्म, तीन चार ये बताई गई है, क्या है तो अनुमान, आपका अनुमान क्या बोलता है? ईश्वर, निरंजन, ब्रह्म एक ही है और जीव दूसरा है जी, तो मतलब द्वैतवाद है, ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। सर एक बार परमात्मा का ध्यान कहाँ करना है वो बोलो ना प्लीज। परमात्मा का ध्यान प्रणव बताया गया था ना कि प्रणव में करना है, और ये बताया गया था भावों के बीच में, अंगुष्ठ मात्र, हाँ सॉरी याद आ गया, हृदय कमल में आत्मा का निवास है और उस आत्मा का आकार अंगुष्ठ मात्र का है, और उसमें ओमकार से फिर उस परमात्मा का ध्यान करना। ओके सर, थैंक यू। तो हृदय स्थान ध्यान, मुझे हाँ जी, मुझे ये पूछना था, ये जैसे ये उपनिषद है, इसी में आत्मा का स्थान हृदय में है या सब में ही एक जैसा होगा? ऑलमोस्ट सब में ही है, ऑलमोस्ट सब में, कठोपनिषद में भी हृदय स्थान बताया गया है। ये कहा जाता है कि आत्मा का जो स्थान होता है वो हमारी प्रकृति के बीच में होता है, वहां पे थोड़ा ध्यान करें, तो क्या ये सही है? एक दो जगह बताया गया है, 100 में से अगर मैं 100 ग्रंथों की बात करूं तो 5-10 में ही मस्तिष्क बताया गया है, बाकी सब जगह पे हृदय बताया गया है। और आयुर्वेद के आचार्य इसमें, हाँ आयुर्वेद में जो महर्षि चरक जी है उन्होंने दो मत बताए, शायद चरक जी या सुश्रुत जी ने, उन्होंने कहा है कि जब शायद जब गर्भ में होता है तो आत्मा मस्तिष्क में निवास करती है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है फिर वो हृदय में निवास करती है पूरी आयु तक, इस तरीके से। लेकिन वहां पर भी वो बाद में आत्मा को हृदय ही बोलते हैं, तो आत्मा हृदय ही स्थान है। तो हम बस यही सोचे कि हृदय में ही हम थोड़ा ध्यान करें जब मेडिटेशन करते हैं, हृदय में ही ध्यान करना है, और पेपर में अगर आपको कहीं हृदय नहीं मिलता ऑप्शन में तो आप फिर मस्तिष्क को क्लिक करना, फिर जी, अगर मस्तिष्क के साथ में हृदय है तो हृदय को पहले प्रेफरेंस देना जी, ठीक है।
सर, और आपने वो बोला था कि ईड़ा से उदर में वायु भरना है और देह के बीच मतलब स्वाधिष्ठान और कौन सा था उसके बीच ज्योति का ध्यान करना है। अब देह के मध्य में कुछ डाउट है। सामान्य रूप से देह मध्य, जैसे पूर्व उपनिषद के अनुसार मैं बता रहा हूँ, वहां पे देह मध्य बताया था कि मूलाधार और मेढ्र के मध्य, मेढ्र यानी स्वाधिष्ठान के मध्य में त्रिकोणाकार रूपी अग्नि है, पढ़ा होगा आपने कि उसको देह मध्य बोला गया था। और उसमें त्रिशि की ब्राह्मणों में कहा गया कि वो देह मध्य गुदा से 2 अंगुल ऊपर है। और फिर मैंने आपको वशिष्ठ संहिता दिखाई थी, वशिष्ठ संहिता में क्या लिखा हुआ था कि देह मध्य गुदा मूल से 2.5 अंगुल ऊपर है और स्वादिष्टान से 2.5 अंगुल भी नीचे है, वो देह मध्य वहां पे बोला गया था उसको। याद आया आपको? वेलकम। यस, थैंक यू। चलिए अंगुष्ठ क्वेश्चन। मात्र आकार है क्या वो? अंगुष्ठ मात्र की ओम ओम की वो बताइए। आत्मा, आत्मा ओमकार का कोई आकार नहीं है। आत्मा जो ज्योति रूप में विद्यमान है और उसका अंगूठी की तरह है वो लगभग। आचार्य, थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है इसमें कि क्योंकि जीव का जो बताया, जीव का आकार बाल के अग्र भाग के 1 लाख भाग बताया, फिर जीव के बाद जो है ईश्वर का भाग बता दिया कि 1 लाख भाग है, लेकिन फिर ब्रह्म निरंजन ब्रह्म का स्थान वो आकार बताया, तो तीनों का आकार अलग अलग बताने से अलग अलग प्रतीत से हो रहे ना जी। अलग अलग हैं तभी तो प्रतीत होंगे। जीव क्या है? जीव कर्माशय में बंधा हुआ है, आत्मा है, तो इसलिए उसका उसके मुकाबले स्थूल है वो। वैसे तो बहुत सूक्ष्म है 1 लाखवा भाग, लेकिन निरंजन ब्रह्म के मुकाबले तो वो बड़ा हो गया ना। इसका मतलब सत्ता से है कि श्रेष्ठ कौन है, कि निरंजन ब्रह्म श्रेष्ठ है, उसके बाद में ईश्वर श्रेष्ठ है, उसके बाद में जीवात्मा आती है। लेवल हो गए तीनों के अलग अलग, जैसे कि हम लेवल देवताओं के लेवल करते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद में रुद्र सदाशिव, इस तरीके के रखते हैं अलग अलग। तो इस ये लेवल हो गए कि जीव के बाद ईश्वर है, ईश्वर के बाद में पर निरंजन ब्रह्म है। फिर आचार्य जी, प्रकृति से अलग 3 सत्ता होगी ना जी इसमें, ये प्रकृति के बीच में कांगो आ रहे हो, 3 सत्ता होगी ना जी ये। वो अलग रखो, वो सांख्य योग के हैं चीज, यहाँ पे नहीं है वो चीज। यहाँ पे सृष्टि कर्म का मैंने पढ़ा ही नहीं उपनिषद में, कहीं है नहीं इस उपनिषद में सृष्टि कर्म। सबका अलग अलग याद करो, यही तो याद करना है आपको। सब में अलग अलग सृष्टि कर्म है, किसी में डायरेक्ट ही आत्मा से पंच महाभूत बन गए, किसी में बोला नहीं आत्मा से परमात्मा से पहले प्रकृति बनी, फिर बुद्धि बनी, महत बना, किसी में कहा कि एकादश इंद्रिया बनी, किसी में कहा कि नहीं इंद्रिया नहीं बनी, डायरेक्ट तन्मात्राएं बनी और फिर महाभूत बने। सबका अलग 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 याद करना है, मिक्स मत करो, ठीक है? धन्यवाद जी भैया। ये इसमें चलिए, जो जो 32 पंखुड़ियां हैं, तो ये जो है 8 दिशाएं, 8 वर्ण और 8 प्रकार की मति और 8 दल, इस पंखुड़ियों के वो है क्या इससे, या पर पंखुड़ियां अलग है ये ऐसा अलग है? ओके। जहां तक मैं समझ पाया हूं उसका अर्थ क्या है कि जैसे कि ये पेन है मेरे, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 दिशाएं हो गई, समझ पा रहे हो? जी। ये मैंने 4 दिशा ले ली है, अब चार चार यहां पर हो गई तो 8 दिशाएं बन गई, ठीक है? जी 8 दिशा बन गई, तो यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग दिशा में, ये लाल रंग की है, ये काली है, ये हरी है, ये पीली है, तो अलग अलग दिशाओं में। और वहां पे बताया गया कि इस दिशा में जाने से मति हमारी बुद्धि इस तरीके की हो जाएगी, मतलब बताया कि जैसे कि पूर्व में जाने पर लिखा है कि हम धार्मिक हो जाएंगे, भक्ति हो जाएंगे, फिर कहा कि काले पे जाने से हम चंचल हो जाएंगे, पीले पे जाने से हम खेलकूद में हमारी मति जब भागेगी, यानी कि अलग अलग दिशाओं में, और ये दिशाएं हृदय के अंदर ही है। मतलब क्या है कि एक ही जगह पर्टिकुलर ध्यान, यानी कि हृदय के भी देखो कितनी सूक्ष्म जगह पे, उस जिस विद्वान ने इन चीजों को लिखा है, अलग अलग पत्तों पे अलग अलग दिशाओं में बताया कि उस दिशा में ध्यान करेंगे तो हमारे बुद्धि उस प्रकार की हो जाएगी, बहुत सूक्ष्मता दिया है इसके अंदर। समझ पा रहे हो कुछ? जी जी भैया, बाकी आगे पढ़ोगे फिर और समझ आ जाएगा।
और ये कि देवताओं में, जैसे देवताओं में पहले पूरक के देवता ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, और फिर रुद्र हैं, और जब ध्यान कर रहे हैं तो अलग अलग बदल जा रहे हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा इसमें भी? क्वेश्चन ये आएगा, सामान्य पूछा गया कि पूरक के देवता कौन है, तो सामान्य ब्रह्मा है। और अगर ये कहा गया पूरक के दौरान कहाँ ध्यान करना है और किस देव का ध्यान करना है, तो नाभि में ध्यान करना है, ठीक है, और ब्रह्मा का ध्यान करना है, विष्णु का ध्यान करना है, ठीक है, विष्णु का। समझ पा रहे हो? जी जी भैया, थैंक यू। एक पूरक के दौरान ध्यान करना है, एक सामान्य रूप से पूरक का देव है जी। आज बड़े डाउट में हो आप सभी, ये टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। मैं बाकी कुछ टाइम बहुत हो गया, क्वेश्चनिंग में कल करूंगा एक साथ, आप लोग पढ़ के आना इसके लिए, ठीक है, आज के लिए। थैंक यू सभी को। ये वाला टॉपिक सर फिर रिवाइज करवा दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है।